रखिएगा, यह किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन होता है, इट इज अ इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, या किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन होता है, इट इज अ इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन होता है जो किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन होता है जो व्यवस्थित रूप में स्टोर किया जाता है, विच इज स्टोर्ड इन अ बैलेंस्ड फॉर्मेट, जो व्यवस्थित रूप में स्टोर किया जाता है, विच इज स्टोर्ड इन अ बैलेंस्ड फॉर्मेट, जिसके लिए एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है, फॉर विच द एक्सपर्ट्स आर हायर्ड, जिसके लिए एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है, फॉर विच द एक्सपर्ट्स आर हायर्ड, स्टोर किया जाता है, जिसके लिए एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है, फॉर विच द एक्सपर्ट्स आर हायर्ड। अब मैं यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सबको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जब से आपने बैंक का खाता खोला, आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कौन स्टोर कर रहा है, आप कर रहे हो कि बैंक कर रहा है, आपने कितने लोन लिए इसका रिकॉर्ड कौन स्टोर करता है, सिविल वाले स्टोर करते हैं, आपने कितने लोन लिए, कितने डिफॉल्टर्स आपको, कितना पेमेंट करते, कौन स्टोर कर रहा है, सिविल, ठीक है। पीछे वाले को थोड़ा सा जगह दीजिएगा, हाँ ध्यान से सुनिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, यानी ये आपको ध्यान रखना है कि आपके रिकॉर्ड को आप नहीं स्टोर करते, कान खोल के सुनिएगा, आपके रिकॉर्ड को स्टोर कोई और करता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसी कारण से जब आपको लोन चाहिए होता है तो सिविल के पास जाया जाता है, जब आपके खातों का डिटेल जानना होता है तो बैंक के 6 महीने का स्टेटमेंट देखा जाता है, ठीक है। जब आपके क्राइम को अगर देखना है, क्राइम तो नहीं किया आपने, तो उस समय क्या देखा जाता है आपका, आपके आधार नंबर से आपके क्राइम रिकॉर्ड्स को सर्च किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपने अपने रिकॉर्ड आज तक सेव नहीं किए, कौन कर रहा है, कोई संस्था कर रही है, और संस्था ने क्या रहा चलते लोगों को एम्प्लॉय बनाया कि मास्टर्स को हायर करके रखा तुम्हारा रिकॉर्ड को रखने के लिए, मास्टर्स को, नहीं तो आज ये ध्यान रखिएगा कि आपका सिविल स्कोर हो सकता है बहुत खराब, कोई कर दे, आज तक आपने लोन नहीं लिया पर सिविल पूरा खराब निकला आपका, तो आप किसको दोष दे सकते हो, हो सकता है कि आपके ट्रांजेक्शन बहुत बैंक में अच्छे है लेकिन आपके पूरे अकाउंट डिटेल्स बर्बाद कर दिए गए क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेनर अच्छे नहीं थे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ताकतवर स्टाफ को रखती है और इसलिए उसको डीबीए कहा जाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये वो बंदा है जो रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, क्योंकि इसी रिकॉर्ड ने आपको जीवित रखा है। अगर ये रिकॉर्ड बिगड़ जाए ना तो आप कोई भी कोर्ट कचहरी कर लो, आपका कभी भी भला नहीं हो सकता, जानते हो आप कि आपका रिकॉर्ड ही सब कुछ है, ठीक है ना। अभी आपका सोशल रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं है, सोशल रिकॉर्ड कौन मैनेज करता, पुलिस, आपने आपके सोशल रिकॉर्ड आपके बोलने से तय नहीं होता, पुलिस थाने में रिपोर्ट तो नहीं है जिसको देख के तय होता है, यानी आपका सोशल रिकॉर्ड भी पुलिस बताती है और घर में काका कांड करते उसके रिकॉर्ड माँ बाप बताते हैं, ठीक है, यानी तुम्हारा रिकॉर्ड तुम दे ही नहीं सकते, तुम्हारा रिकॉर्ड तो कोई और मेंटेन करता, वही देता है। और सबको एक चीज जो कहा जाता है कि मरने के बाद एक रिकॉर्ड ऊपर भी मेंटेन हो रहा है, ठीक है, चित्रगुप्त या कोई जिसको जो भी माने आप, वो क्या कर रहा है, वो मरने के बाद भी एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, तो वो पूछेगा जब पहुंचोगे ना, क्या करते हैं, पूरे रिकॉर्ड मेंटेन है जल से लेकर अभी तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला बड़ा ताकतवर इंसान होता है, चाहे वो ईश्वर के पास हो चाहे इस धरती पे हो, और उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और इतनी अच्छे से मेंटेन करता है कि आपका वो रिकॉर्ड कभी भी गलत ना साबित हो, क्योंकि ध्यान रखना रिकॉर्ड गलत होने का मतलब आपका खत्म होना होता है। अगर रिकॉर्ड में आपको अगर डेथ घोषित कर दिया जाए ना तो आप डेथ ही माने जाओगे, फिर आप प्रूफ करो आपकी मैं जिंदा हूं, ये ध्यान रखे, सरकारी रिकॉर्ड में आप जिंदा हो तभी आप जिंदा हो, शायद आपको पता होना चाहिए, जैसे सरकारी रिकॉर्ड में मर गए ना तो प्रूफ कराते घूमना पड़ेगा, अरे मैं जिंदा हो रहे, ठीक है, तो तुम लोग जिंदा क्यों हो, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा हो, सरकारी रिकॉर्ड में मर तो जाओ एक बार, फिर जिंदा होकर भी मर जाओगे आप, ये ध्यान रखिएगा। तो रिकॉर्ड की महत्वता को समझिए और रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले की महत्वता को समझिए, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने, ऐसा ये आप बना भी लीजिए।